भीम और दुर्योधन का भयंकर गदा युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, उन दोनों भाइयों में जब पुनः भिड़ंत हुई, तो दोनों ही दोनों के चूकने का अवसर देखते हुए पैंतरे बदलने लगे। दोनों की गदाएं यमदंड और वज्र के समान भयंकर दिखाई देती थी। भीमसेन जब अपनी गदा को घुमाकर प्रहार करते, उस समय उसकी भयंकर आवाज एक मुहूर्त तक गूंजती रहती थी। यह देखकर दुर्योधन को बड़ा विस्मय होता था। नाना प्रकार के पैंतरे दिखाकर चारों ओर चक्कर लगाते हुए भीमसेन की उस समय अपूर्व शोभा हो रही थी। दोनों एक दूसरे से भिड़कर अपने-अपने बचाव का प्रयत्न करते रहते थे। तरह-तरह के पैंतरे बदलना, चक्कर देना, शत्रु पर प्रहार करना, उसके प्रहार को बचाना या रोकना तथा आगे बढ़कर पीछे हटना, वेग से शत्रु पर धावा करना, उसके प्रयत्न को निष्फल कर देना, सावधानी पूर्वक एक स्थान पर खड़ा होना, सामने आते ही शत्रु से युद्ध छेड़ना, प्रहार के लिए चारों ओर घूमना, शत्रु को घूमने से रोकना, नीचे से कूदकर शत्रु का वार बचाना, तिरछी गति से उछलकर प्रहार से बचना, पास जाकर और दूर हटकर शत्रु के ऊपर प्रहार करना इत्यादि बहुत सी क्रियाएं दिखाते हुए दोनों लड़ रहे थे। दोनों ही प्रहार करते हुए एक दूसरे को चकमा देने की कोशिश करते थे। युद्ध का खेल दिखाते हुए सहसा गदाओं की चोट कर बैठते थे। इस प्रकार उनमें इंद्र और वृत्रासुर की भांति भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों ही अपने-अपने मंडल में खड़े थे। दाएं मंडल में दुर्योधन था और बाएं में भीमसेन। उस समय दुर्योधन ने भीमसेन की पसली में गदा मारी, परंतु भीमसेन ने उसके प्रहार को कुछ भी न गिनकर यमदंड के समान भयंकर गदा घुमाई और उसे दुर्योधन पर दे मारा। यह देख दुर्योधन ने भी अपनी भयंकर गदा उठाकर पुनः भीमसेन पर प्रहार किया। गदा प्रहार करते समय बड़े जोर का शब्द होता और आग की चिंगारियां छूटने लगती थी। दुर्योधन भी अपने युद्ध कौशल का परिचय देता हुआ भीमसेन से अधिक शोभा पाने लगा। भीमसेन भी बड़े वेग से गदा घुमाने लगा। इतने में ही आपका पुत्र दुर्योधन युद्ध के कई पैंतरे दिखाता हुआ भीम पर टूट पड़ा। भीम ने भी क्रोध में भरकर उसकी गदा पर ही आघात किया। दोनों गदाओं के टकराने से भयानक आवाज हुई, चिंगारियां छूटने लगी। भीमसेन ने बड़े वेग से गदा छोड़ी थी, वह ज्यों ही नीचे गिरी, वहां की धरती कांप उठी। यह देख दुर्योधन ने भीमसेन के मस्तक पर गदा का प्रहार किया, किंतु भीमसेन तनिक भी घबराए नहीं। यह एक अद्भुत बात थी। तत्पश्चात भीमसेन ने भी आपके पुत्र पर अपनी बड़ी भारी गदा चलाई, किंतु दुर्योधन फुर्ती से इधर-उधर होकर उस प्रहार को बचा गया। इससे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसने भीमसेन की छाती पर गदा मारी, उसकी चोट से भीम को मूर्छा आ गई और एक क्षण तक उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान तक न रहा। किंतु थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने को संभाल लिया और दुर्योधन की पसली में बड़ी जोर से गदा मारी। उस प्रहार से व्याकुल हो आपका पुत्र जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और उसे इस अवस्था में देख श्रृंजियों ने हर्ष ध्वनि की। तब दुर्योधन क्रोध से जल उठा और महान सर्प की भांति फुंकारे भरने लगा। उसने भीमसेन की ओर इस तरह देखा मानो उन्हें भस्म कर डालेगा। उनकी खोपड़ी कुचल डालने के लिए वह हाथ में गदा लिए उनकी ओर दौड़ा। पास पहुंचकर उसने भीम के ललाट पर गदा का आघात किया, किंतु भीम पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। इस प्रहार का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तदनंतर उन्होंने भी दुर्योधन के ऊपर अपनी लोहमयी गदा का प्रहार किया। उसकी चोट से आपके पुत्र की नस-नस ढीली हो गई। वह कांपता हुआ पृथ्वी पर जा पड़ा। यह देख पांडव हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे।
कुछ ही देर में जब दुर्योधन को होश हुआ तो वह उछलकर खड़ा हो गया और एक सुशिक्षित योद्धा की भांति रणभूमि में विचरने लगा। घूमते-घूमते मौका पाकर उसने सामने खड़े हुए भीमसेन को गदा से मारा। उसकी चोट खाकर उनका सारा शरीर शिथिल हो गया और वे धरती चूमने लगे। भीम को गिराकर दुर्योधन दहाड़ने लगा। उसकी गदा के आघात से भीम के कवच के चिथड़े उड़ गए थे। उनकी ऐसी अवस्था देख पांडवों को बड़ा भय हुआ, किंतु एक ही मुहूर्त में भीम की चेतना पुनः लौट आई। उन्होंने खून से भीगे हुए अपने मुख को पोंछा और धैर्य धारण करके आंखें खोली, फिर बलपूर्वक अपने को संभालकर वे खड़े हो गए। उन दोनों के युद्ध को बढ़ता देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, इन दोनों वीरों में आप किसको बड़ा मानते हैं? किसमें कौन सा गुण अधिक है? यह मुझे बताइए। भगवान बोले, शिक्षा तो इन दोनों को एक सी मिली है, किंतु भीमसेन बल में अधिक है और अभ्यास तथा प्रयत्न में दुर्योधन बढ़ा चढ़ा है। यदि भीमसेन धर्मपूर्वक युद्ध करेंगे तो नहीं जीत सकते। इन्होंने जुए के समय यह प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में गदा मारकर दुर्योधन की जांघें तोड़ डालूंगा। आज ये उस प्रतिज्ञा का पालन करें। अर्जुन, मैं फिर भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि धर्मराज के कारण हम लोगों पर पुनः भय आ पहुंचा है। बहुत प्रयास करके भीष्म आदि कौरव वीरों को मारकर हमें विजय और यश की प्राप्ति हुई थी, किंतु युधिष्ठिर ने उस विजय को फिर से संदेह में डाल दिया है। एक की ही हार जीत से सबकी हार जीत की शर्त लगाकर इन्होंने जो इस भयंकर युद्ध को जुए का दांव बना डाला, यह इनकी बड़ी भारी मूर्खता है। दुर्योधन युद्ध की कला जानता है, वीर है और एक निश्चय पर डटा हुआ है। इस विषय में शुक्राचार्य का कहा हुआ एक श्लोक सुनने में आता है, जिसमें नीति का तत्व भरा है। मैं उसका भावार्थ तुम्हें सुना रहा हूँ। युद्ध में मरने से बचे हुए शत्रु यदि प्राण बचाने के लिए भाग जाएं और फिर युद्ध के लिए लौटें, तो उनसे डरते रहना चाहिए, क्योंकि वे एक निश्चय पर पहुंचे हुए होते हैं। जो जीवन की आशा छोड़कर साहस पूर्वक युद्ध में कूद पड़े, उनके सामने इंद्र भी नहीं ठहर सकते। दुर्योधन की सेना मारी गई थी, वह परास्त हो गया था और अब राज्य मिलने की आशा न होने के कारण वह वन में चला जाना चाहता था, इसलिए वह भागकर पोखरे में छिपा था। ऐसे हताश शत्रु को कौन बुद्धिमान द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करेगा? अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि कहीं दुर्योधन हम लोगों के जीते हुए राज्य को फिर से न हथिया ले।